हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ स्ट्रीट स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे आप पाव ब्रेड ब्रेड या रोटी या चावल की रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर दूध लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट मार्केट से पनीर लेकर भी इसे बना सकते हैं। दूध जब बॉईल होने लगेगा, गैस को ऑफ करके इसे 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। एकदम गर्म दूध में इसमें विनेगर या साइट्रिक एसिड ऐड नहीं करेंगे। जब दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें धीरे धीरे विनेगर और पानी के मिक्सचर को ऐड करते जाएंगे। दूध कर्डल होना स्टार्ट होगा तो विनेगर डालना बंद कर देंगे। इसे पनीर को कॉटन के कपड़े से छान लेंगे। इसके बाद इसमें साफ पानी डालकर इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें विनेगर की खटास ना रहे। इसे आधे घंटे के लिए टांग देंगे या फिर इसके ऊपर कोई भारी चीज रख के इसका पूरा पानी निकाल देंगे। जब तक पनीर रेडी हो रहा है तब तक इसके लिए मसाला प्रेपर करते हैं। इसके लिए खलबत्ते में अदरक लहसुन और हरी मिर्च लेंगे। इसे अच्छे से कूट कर इसका पेस्ट रेडी करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छे से तड़कने लगेगा तो इसमें बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। प्याज को ट्रांसलूसेंट होते तक भून लेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ सौते करेंगे। इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डालेंगे। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। इसके बाद इसमें सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। पनीर चेक कर लेते हैं, पनीर का सारा पानी निकल गया है। ये देखिए, काफी सॉफ्ट और काफी अच्छा पनीर रेडी हो गया है। पनीर को क्रम्बल करके प्याज और टमाटर के मिक्सचर में डालेंगे। अगर इसके कुछ बड़े बड़े चंक्स हो तो उन्हें तोड़ के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा अमूल बटर, गरम मसाला पाउडर, किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। हमारी पनीर भुर्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। मेरी ये रेसिपी आप घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। आप इसे ब्रेड या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करें।